देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सदन के अंदर हमारी बात सुनी जाए, जो जनता के मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज है। आपने खाने की चीजें महंगी कर दी, आप कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आप सच में लोगों को खाने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाने दे रहे हैं। उनसे उनका अनाज तक आप महंगा करके टैक्स लगा करके छीन लेना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी रहती है, जनता के साथ खड़ी रहती है। हमने यहाँ भी प्रदर्शन किया और हम सदन के अंदर भी आवाज उठा रहे थे, तब तक स्थगित कर दिया गया। देखते हैं, 2 बजे से फिर कहा गया है सदन शुरू होगा। हम लगातार फिर आम आदमी की, गरीबों की आवाज उठाएंगे। अनाजों पर जो टैक्स लगाया गया है, महंगाई बढ़ाई गई है, उसके खिलाफ लगातार मुखर रहेंगे। देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सदन के अंदर हमारी बात सुनी जाए, जो जनता के मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज है। आपने खाने की चीजें महंगी कर दी, आप कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आप सच में लोगों को खाने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाने दे रहे हैं। उनसे उनका अनाज तक आप महंगा करके टैक्स लगा करके छीन लेना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी रहती है, जनता के साथ खड़ी रहती है। हमने यहाँ भी प्रदर्शन किया और हम सदन के अंदर भी आवाज उठा रहे थे, तब तक स्थगित कर दिया गया। देखते हैं, 2 बजे से फिर कहा गया है सदन शुरू होगा। हम लगातार फिर आम आदमी की, गरीबों की आवाज उठाएंगे। अनाजों पर जो टैक्स लगाया गया है, महंगाई बढ़ाई गई है, उसके खिलाफ लगातार मुखर रहेंगे। देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सदन के अंदर हमारी बात सुनी जाए, जो जनता के मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज है। आपने खाने की चीजें महंगी कर दी, आप कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आप सच में लोगों को खाने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाने दे रहे हैं। उनसे उनका अनाज तक आप महंगा करके टैक्स लगा करके छीन लेना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी रहती है, जनता के साथ खड़ी रहती है। हमने यहाँ भी प्रदर्शन किया और हम सदन के अंदर भी आवाज उठा रहे थे, तब तक स्थगित कर दिया गया। देखते हैं, 2 बजे से फिर कहा गया है सदन शुरू होगा। हम लगातार फिर आम आदमी की, गरीबों की आवाज उठाएंगे। अनाजों पर जो टैक्स लगाया गया है, महंगाई बढ़ाई गई है, उसके खिलाफ लगातार मुखर रहे।